गुड मॉर्निंग बच्चों, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 12 साइंस में जो बायोलॉजी का लेसन नंबर 6 उसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में अपने इसके दो पार्ट पढ़ चुके हैं। पहले जो लास्ट वीडियो में अपने पढ़ा था कि जो जल अवशोषण है, जल अवशोषण पादपों में किस प्रकार से होता है, तो उसकी दो विधियों के बारे में पढ़ा। कौन कौन सी थी? एक निष्क्रिय जल अवशोषण और एक क्या थी? सक्रिय जल अवशोषण। तो ये दो विधियां थी जल अवशोषण करने की। जो सक्रिय जल अवशोषण थी वह बहुत कम उपयोग में की जाती है, इसके बारे में पढ़ा। और निष्क्रिय जल अवशोषण, इसके द्वारा पादप 96 से 98% तक जल को अवशोषित करते हैं। तो आज जो अपने आगे नया टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें जो पादप है जल को अवशोषित तो उन विधियों से करते हैं, लेकिन उसमें कौन कौन से मार्ग हैं जो जल को अवशोषित करके आगे तक लेकर जाते हैं। तो अपने स्टार्ट करते हैं पादपों में जल का मार्ग, यानी पादप है वो जल को आगे किस प्रकार लेकर जाते हैं। तो सबसे पहले तो मूल रूप में क्या करती है, ये मूल है, इस मूल पर ये मूल रूप में पाई जाती है। ये मूल रूप में क्या करती है, जल को अवशोषित करती है। फिर मेन रूट यानी इसमें मुख्य मूल में जाएगा और इसमें जो जाइलम की कोशिकाएं होती हैं, ये जाइलम की कोशिकाएं जल को आगे विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो मूल रोगों से जल का जाइलम तक प्रवाह निम्न पथों से होकर पहुंचता है। जल का मूल रोगों से जल तक का प्रवाह है क्या कहलाता है? पार्श्वीय प्रवाह कहलाता है। मूल रोगों से जाइलम में, अब जाइलम में जाएगा तो पार्श्वीय प्रवाह आएगा, क्योंकि जो मूल रोग होते हैं ये जल के पार्श्व में लगे होते हैं, पार्श्व मतलब चारों तरफ। तो पार्श्वीय प्रवाह इसलिए कह रहा है क्योंकि मूल रोगों ने जल को मुख्य रूप में पहुंचाया, फिर जाइलम में जाता है। तो इसके तीन पथ होते हैं, कौन कौन से? एक अपलवक जिसे एपोप्लास्ट पथ बोला जाता है, दूसरा है सैललवक जिसे सिम्प्लास्ट पथ बोलते हैं, और तीसरा है रसधानीय पथ या वैक्यूलर पथ। तो ये तीनों पथ होते हैं जो क्या करते हैं, जल को आगे जाइलम से विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो अपने इसमें देखेंगे कि पादप की जो कोशिका है, जो जाइलम है, अब उस जाइलम में कौन कौन से जो भाग होते हैं, ये जैसे अपलवक, सैललवक और रसधानीय है, ये कौन से भाग है जल को कैसे लेकर जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसमें अपने ये डायग्राम है जिसमें ये तीनों पथ दिखा रखे हैं वो देखते हैं। ये क्या होगी? रिक्तिका। ये आपको पता है जो खाली भाग दिख रहा है इसे क्या कहते हैं? रिक्तिका। और ये जो पार्श्व में इस तरह से दिखाई दे रही है ये क्या होती है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। इसके बाद में जो इसके अंदर ये जीव द्रव्य है छोटे छोटे कण देखते हैं आप, ये होता है कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य कोशिका द्रव्य होता है। अब इसमें जो पथ होते हैं ये वाला भाग होते हैं क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। ये जो है ये क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तो ये क्लोरोप्लास्ट होता है। जो तीनों पथ हैं ये कौन कौन से अपने देखते हैं, तो जो एपोप्लास्ट पथ है जिसे अपने टोनोप्लास्ट भी बोलते हैं, तो ये वाला पथ होगा जिसमें इस तरह से जल है वो प्रवेश करेगा आगे। इसे क्या बोलते हैं? एपोप्लास्ट या टोनोप्लास्ट। तो जब जल है वो कोशिका भित्ति के अंदर से इस तरह से जाएगा तो इसे क्या कहते हैं? एपोप्लास्ट पथ या आगे अपलवक पथ बोलते हैं। तो ये यहाँ पर आपने प्रतीक देखा है, ये किसका है? अप
लवक पथ, ये अपलवक पथ है क्योंकि लवक तो हरे सुवर्णको के अंदर हो गए, लवकों के बाहर है इसलिए इसे अपलवक पथ बोलेंगे। फिर इसमें जो सेल लवक है या सिर्फ प्लास्ट मतलब हरित लवक के अंदर वाला वो कौन सा है, सेल लवक या सिंप्लास्ट पथ, जो ये कोशिका के अंदर वाला ये पथ दिख रहा है ये वाला कौन सा है, सिंप्लास्ट पथ। इस तरह से एक कोशिका में से दूसरी कोशिका में जब जल प्रवाहित करता है तो उसे क्या कहते हैं, सिंप्लास्ट या फिर सेल लवक पथ कहते हैं। फिर तीसरा पथ है इसमें रिक्तकीय पथ या रसधानीय पथ। रिक्तकीय पथ इस तरह से होगा जैसे एक रिक्तिका में से जल है वो सीधा ही आगे दूसरी रिक्तिका में जाता है, मतलब अंदर एक ऐसे रिक्तिकाएं जुड़ी होती हैं एक दूसरे के ऊपर, तो एक रिक्तिका वो दूसरी से इस तरह से जुड़ी होगी, तो एक रिक्तिका से जब दूसरी में जाता है तो उसे अपनी इस तरह से दिखाया गया है, तो ये कौन सा हो गया, रिक्तकीय या रसधानीय पथ, रिक्तकीय पथ या रसधानीय पथ बोला जाता है। तो ये तीन प्रकार के पथ हैं वो इस तरह से कोशिका में दिखाए जाते हैं। आपने इसका इस तरह से डायग्राम बनाना है और पथ के नाम लिखने हैं, ये कौन सा सेल लवक या अपलवक या एपोप्लास्ट, ये कौन सा है सेल लवक या सिंप्लास्ट पथ, और ये जो डैश डैश करके दर्शाया गया है ये वाला पथ कौन सा है, रिक्तीय या रसधानी पथ। रिक्तिका के अंदर बाद में रिक्तिका मिल जाए फिर आगे रिक्तिका में, इसलिए इसे रिक्तकीय पथ बोला गया है। तो ये तीनों प्रकार के पथ इस तरह से कार्य करते हैं। अब सबसे पहले इसमें क्या है, अपलवक या एपोप्लास्ट पथ। अपलवक या एपोप्लास्ट द्वारा जल का स्थानांतरण आगे कोशिका में किस प्रकार होता है उसके बारे में अपने देखते हैं। तो पादपों में जल का प्रवाह जब निर्जीव कोशिका भित्ति व अंतरकोशिकीय अवकाशों द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं, एपोप्लास्ट पथ कहते हैं। पादपों में जब क्या जल का प्रवाह है, क्या लिखेंगे, पादपों में जब जल का प्रवाह है निर्जीव कोशिका भित्ति या अन्य कोशिकीय अवकाश होते हैं, ये निर्जीव कोशिका भित्ति होगी तो अन्य कोशिकीय अवकाशों से जब जल का प्रवाह होता है तो उसे क्या कहते हैं, एपोप्लास्ट पथ या अपलवक पथ कहा जाता है। और ये मार्ग एपोप्लास्ट मार्ग या एपोप्लास्ट पथ कहलाता है। इसमें जल का प्रवाह किस तरह से होता है, विसरण द्वारा होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता में जाने के लिए, यहाँ कम सांद्रता है तो इधर जल के हो जाएंगे, मतलब विसरण द्वारा इसमें जल का प्रवाह होता है। कौन से पथ में, एपोप्लास्ट पथ में। इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, कैस्पेरियन पट्टिकाएं होती हैं, एंडोडर्मिस, जाइलम, ये सारे भाग होते हैं। कौन कौन से, इसमें रिक्तिकाएं, एंडोडर्मिस, जाइलम, ये आगे जल को लेकर जाते हैं। ये क्या, जब जल इसमें प्रवाहित होता है तो इसमें कोई किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती, इस प्रकार के पथ में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। ज्यादातर जल का प्रवाह किसके द्वारा होता है, एपोप्लास्ट द्वारा होता है, तो अधिकांश जल का परिवहन एपोप्लास्ट पथ द्वारा किया जाता है। फिर अगला है सेल लवक या सिंप्लास्ट पथ। तो सेल लवक या सिंप्लास्ट पथ कौन सा है, ये वाला है सेल लवक या सिंप्लास्ट पथ। तो इसका आपने क्या नोट करना है कि जब जल का प्रवाह है जीव द्रव्य के जो तंत्र होते हैं, क्या लिखोगे, ये जीव द्रव्य हो गया सारा भाग, तो जब जल का प्रवाह है जीव द्रव्य या उसके अंदर तंत्रों द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं, सेल लवक पथ कहते हैं। किसे कहते हैं, जब जल का प्रवाह है जीव द्रव्य या अंतर संबंधी तंत्र होते हैं, जो इसके अंदर तंत्र होते हैं।
कहा जाता है। यह पादपों का जीवित तंत्र होता है, क्योंकि ये तो निर्जीव हो गया, ये वाला कौन सा हो गया, यह जीवित तंत्र हो गया, क्योंकि इसमें कोशिका द्रव्य पाया जाता है, तो यह पादपों का जीवित तंत्र होता है। आगे
नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज अपने इस वीडियो में क्या पढ़ा है, जो जल अवशोषण है उसके कौन कौन से मार्ग थे, तो एपोप्लास्ट, सिंप्लास्ट और वैक्यूलर प्लास्ट, वैक्यूलर पथ, यानी तीनों प्रकार के पथ हैं जो जल का परिवहन करते हैं। डायग्राम में हमने देखा कौन कौन से हैं और प्रत्येक के बारे में हमने पढ़ा है कि ये किस प्रकार का जल परिवहन है, इसमें किस प्रकार का होता है, तीनों में किस प्रकार का जल परिवहन होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ेंगे जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो आज जितना आपको पढ़ाया गया इसे आपने रिवाइज करना है और अपनी नोटबुक में नोट करना है।